बॉलीवुड में ऐसे फिल्में कम है जिस फिल्म ने ऑडियंस को एक जर्नी में ले जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे फिल्म है जो एक रोड ट्रिप पर आपको जरूर ले जा सकते हैं। और इस सभी फिल्मों से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पिकू और जब वी मेट एक अलग ही फ्लेवर के फिल्म है। तो दोस्तों आज मैं बॉलीवुड की बेस्ट रोड ट्रिप मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ, तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011। ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, फरहान अख्तर, अभय दर स्टार फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें स्पेन जर्नी को दिखाई गई है और इसका टमाटिना फेस्टिवल और डीप सी डाइविंग आपको भी फिल्म के साथ ट्रिप पर ले जा सकते हैं। रियलाइजेशन दिलाता है कि लाइफ को खुल के जियो, ये गिफ्ट है। और बता दो दोस्तों इस फिल्म का बजट था 55 करोड़, का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन रहा 121 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 153 करोड़ और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 2, पिकू 2015। एक फादर और डॉटर रोड ट्रिप पे जाते हैं दिल्ली से कोलकाता, सिर्फ दोनों के बीच का बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए। और जब ये दोनों ने डिफरेंट सिटीज पार करते हैं, यानी कि वाराणसी, इसका ब्यूटी इन दोनों के बीच में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान स्टारर ये फिल्म फैमिली बॉन्डिंग पे एक नया जिंदगी ले आई है। और बता दो दोस्तों इसका बजट था 40 करोड़ और ये फिल्म इंडियन ग्रॉस कलेक्शन किया है 107 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 141 करोड़ और पिको बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 3, क्वीन 2014। रानी का शादी कैंसिल होने के बाद वो हनीमून पर अकेले ही पेरिस से एम्स्टर्डम सफर करते हैं। लाइफ से बहुत कुछ सीखकर एक फ्री स्पिरिट वुमन की तरह घर वापस आते हैं। और कंगना रनौत की ये क्वीन फिल्म 4 भाषाओं में रिमेट हुआ है। और बता दो दोस्तों क्वीन का बजट था 20 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 82 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 93 करोड़ और क्वीन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 4, तमाशा 2015। इसमें वे ट्रिप पे जाते हैं कौशिका और तारा से मिलता है और फिर दोनों ने समझता है कि असल में दोनों का ड्रीम क्या है और लाइफ का मीनिंग क्या है। इसमें बहुत ही अच्छे से मेडिटेरेनियन कंट्री का हिस्ट्री और कल्चर को दिखाई गई है। और बता दो दोस्तों तमाशा का बजट था 87 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 87 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा 136 करोड़ और तमाशा मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 5, दिल चाहता है 2001। आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना स्टारर दिल चाहता है कल्ट फिल्म बन गया है। 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स रोड ट्रिप पे गोवा और सिडनी जाते हैं। इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप और साथ में कैसे वक्त के साथ साथ तीनों फ्रेंड के बीच में बॉन्डिंग चेंज होता है वो बहुत ही अच्छे से इसमें दिखाई गई है। और बता दो दोस्तों दिल चाहता है का बजट था 13 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 32 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 38 करोड़ और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 6, हाईवे 2014। आलिया भट्ट की किडनैपर्स उसको बॉन्डेज पे रखते हैं। इससे बावजूद भी उसके दिल राजस्थान की गर्म हवा से कश्मीर की ठंडे हवा में खेलते रहते हैं। और बता दो दोस्तों हाईवे का बजट था 25 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 41 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 52 करोड़ और हाईवे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 7, ये जवानी है दीवानी 2013। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की एक हाइकिंग ट्रिप पे जाते हैं मनाली पे और ये ट्रिप से स्नो क्लाड माउंटेन्स और सीनिक प्लेन्स दोनों को सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाते हैं। इसमें कबीर और नैना की सोल सर्चिंग जर्नी में आप भी अचानक शामिल हो जाओगे। और बता दो दोस्तों इसका बजट था 75 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 242 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 318 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 8, जब वी मेट 2007। बॉलीवुड की रोड ट्रिप फिल्मों से इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसमें दोनों अंजना ट्रेन पे मिलता है और फिर कुछ दिन रोड पे ट्रिप करता है और दोनों के बीच में रोड ट्रिप खत्म होकर प्यार का ट्रिप शुरू होता है। और बता दो दोस्तों जब वी मेट का बजट था 15 करोड़ और इंडियन कलेक्शन रहा 41 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 48 करोड़ और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो दोस्तों ये रहा बॉलीवुड के मेमोरेबल और बेस्ट रोड ट्रिप मूवीज के बारे में। इन सभी फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म देखकर रोड ट्रिप जाने का दिल कहा कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मॉरिशस इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।